टीवी भारत, आवाज देश की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा झुंझुनू में 22 सितंबर से प्रस्तावित है। राजे 22 सितंबर को खेतरी तहसील के बबाई गांव से जिले में प्रवेश करेंगे। सीएम की गौरव यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी झुंझुनू आए। यहां सीएम की सभा के लिए पीरू सिंह सर्किल स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का जायजा लिया। इस मौके पर चतुर्वेदी के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री मुकेश दधीच, वरिष्ठ भाजपा नेता विशंभर पूनिया, जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, नगर परिषद सभापति सुरेश अहलावत, कलेक्टर दिनेश कुमार यादव, एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल भी शामिल थे। चतुर्वेदी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि जयपुर संभाग में गौरव यात्रा का पांचवां चरण 20 सितंबर से शुरू होगा। कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को मुख्यमंत्री झुंझुनू जिले में प्रवेश करेंगी और दूसरे दिन 23 सितंबर को झुंझुनू में आम सभा होगी। मंत्री अरुण चतुर्वेदी, जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश पाल सिंह टीटी ने बंगड़ में भी भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को गौरव यात्रा की तैयारियों को सफल बनाने संबंधी निर्देश दिए। 20 तारीख से जयपुर संभाग का पांचवां चरण प्रारंभ होगा। पिपलाज माता मंदिर है दौसा जिले में, एक प्रमुख प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ दर्शन करके यात्रा की शुरुआत करेंगी। 20 तारीख को दोपहर बाद बांदीकुई से निकल करके अलवर जिले में प्रवेश, 21 को वहाँ रुक करके 22 को कोटपुतली और कोटपुतली से मुख्यमंत्री जी निमका थाना से फिर अलवर यहाँ झुंझुनू जिले में प्रवेश करेंगी। मावड़ा, बवाई, पपूर्णा तीन जगह स्वागत है और फिर खेतड़ी में आकर के स्वागत और उसका रात्रि विश्राम वहीं खेतड़ी में रहेगा। अगले दिन खेतड़ी से यात्रा शुरू होगी और खेतड़ी से शुरू होने के बाद उस यात्रा का बुहाना सूरजगढ़, चिड़ावा, बगड़, ये स्वागत के कार्यक्रम, झुंझुनू में आम सभा और झुंझुनू के बाद फिर मंडावा दुराना में स्वागत और मंडावा में आम सभा। एपीटीवी भारत के लिए झुंझुनू से नीरज सैनी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।